मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हाई, आई एम प्रिया धर्मेश तिवारी फ्रॉम बेस्ट इंग्लिश स्कूल। टुडे वी आर गोइंग विद सब्जेक्ट हिंदी फॉर अ स्टैंडर्ड 5th चैप्टर 15, विशन की दिलेरी। ये देखिए कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प कहानी है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सुबह का समय था, पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। पहाड़ों के पीछे सूरज झांक रहा था, मीन्स सूरज जो है निकल रहा था। 10 वर्ष का विशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती हैं। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। बहुत तड़के यानी कि बहुत जल्दी काम शुरू हो जाता था, यानी कि बिशन जो लड़का है, ठीक है, बिशन जो लड़का है और वो जो है अब कर्नल जो है एक उनके घर पे पढ़ने जाता है, ठीक है। और वहाँ पर जो होता है बहुत सुबह ही बहुत जल्दी काम स्टार्ट हो जाता है। फार्म से लगे सेबों के बागों में से यानी कि वहाँ पर एक सेब का बाग है, यानी कि सेब का बगीचा है, जहाँ पर कीटनाशक दवा यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारने के लिए दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। तड़के मतलब यानी कि बहुत जल्दी काम शुरू हो जाता था। और देखिए इसमें सबसे फर्स्ट लाइन जो है हमारा लिखा भी है कि पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था, यानी कि जो सुबह थी वो पूरी तरीके से नहीं हुई थी, मतलब सुबह होने की तैयारी थी। मिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक नहीं, 2-3 गोलियों एक साथ ही चली थी। 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाट गूंज गई। पूरी घाट यानी कि जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पे, आपको पता है जब पहाड़ी इलाके जो होते हैं बहुत, जहाँ पे सन्नाटा भी होता है तो वहाँ ज़रा से भी आवाज़ होती है तो बहुत तेज़ मतलब लाउड साउंड सुनाई पड़ता है ना। तो पूरी घाटी गूंज गई, पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। सहम कर यानी कि डर कर खड़ा हो गया। और आपने ये भी ऐसा नॉर्मल भी देखा होगा, जैसे अगर आप कोई जो है बॉम्ब वगैरह भी फोड़ते हो, क्रैकर्स वगैरह फोड़ते हो, तो जो पंछी होते हैं यानी कि जो चिड़िया वगैरह होती है वो एकदम से खूब तेज डर के मारे उड़ने लगती हैं। बिशन जहाँ खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहाँ से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज़ सुन आई। एकाएक, एकाएक मीन्स अचानक, बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। ढेरों तीतर यानी कि कबूतर आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसीलिए वे सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। यानी कि जो फसल है, जो क्रॉप्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, जब बिल्कुल पकने की तैयारी में हो जाते हैं तो क्या होते हैं, जो कबूतर वगैरह हो जाते हैं, चिड़िया वगैरह होती हैं, वो उनको क्या कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं। तो इसीलिए देखिए, तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं, यानी कि कबूतर आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वह सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। बिशन ने सोचा, कितना दुख पहुँचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतर पर गोलियां चला रहे हैं, इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए। देखिए, बेकसूर जो है पक्षी हैं उनको शिकारी लोग मार रहे हैं। शिकारी सुबह सुबह वहाँ पर इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि गेहूं के जो खेत हैं वहाँ पर सुबह सुबह बहुत सारे तीतर आते हैं, कबूतर आते हैं, और वो उसी समय जो है शिकारी लोग शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाए, सबक सिखाना जाना चाहिए। यानी कि सबक क्यों सिखाना चाहिए, यानी कि इनको जो है
इनको मतलब ये जो फालतू में जो है तीतरों को मार रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो उसने सोचा कि चलो ना हम शिकारियों को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाना चाहिए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पाँव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूँ की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा था। बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के ओर अंदर चला गया। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। देखिए अब पिक्चर में भी दिख रहा है आपको, तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। कर्नल दत्ता के घर रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे, दूसरी तरफ कटीले तारों के बाण। बिशन वैसे तो कटीले तारों के बाण में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुआ था। तीतर को संभालना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख ना ले। वह कुछ दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज़ आई, लड़के रुक जाओ नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और ना ही उसने कोई जवाब दिया। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज़ सुनाई दी जो तेजी से उसके पास आते जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूँगा, तू मेरे शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे से रास्ते से जाना तय किया। खेतों के आगे के रास्ते से में कांटेदार झाड़ियाँ थीं। बिशन रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसने हाथ पांव कांटों की बहुत सी खरोचें उभर आईं। खरोचों से खून भी निकलने लगा। उसने कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे माँ से डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब हो गया। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसल कर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन वह कोने में घास बहुत ज़्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी। बिशन थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पाँव की आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही वह दौड़ पड़ा। दौड़ते वह आंधी पहाड़ी पार कर चुका था, ठीक है, यानी कि आधी पहाड़ी पार कर चुका था, यानी कि वो उतनी स्पीड में चल रहा था, इतनी जल्दी चल रहा था कि उसने आधी जो पहाड़ी थी वो पार कर ली थी। वह सड़क से इसलिए नहीं गया क्योंकि उसको शिकारी देख लेते तो जो है तीतर को ले लेते उससे, इसलिए वो जंगल के अंदर ही अंदर रास्तों से चला गया। आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसने कपड़े पसीने से तर बतर हो गए, फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुँच ही गया। पिछवाड़े यानी कि फार्म हाउस के पीछे पहुँच ही गया। पिछवाड़े दरवाज़ा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुँच गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था। फार्म हाउस में खामोशी थी। बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही थी। मुर्गियाँ अभी अपने दड़बे में थीं और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। उसने उसी से एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दी।
या ये ठीक है। सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद मिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वहाँ शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस शेड को ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरेल की ढलावदार छत थी, इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई ना दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उसको देखकर कर्नल साहब की असेशन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। ये तो आप सभी जानते हैं ना कि कुत्ता जब किसी अजनबियों को देखता है तो जो है जोर जोर से भौंकने लगता है ना। फिर क्या हुआ, कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह न माना। पिछले दोनों पांवों पर खड़े हो वह उछल उछल कर भौंकने लगा, यानी कि कर्नल ने उसको डांटा भी कि चिल्लाओ मत, भौंको मत, पर वह कुत्ता जो था वो माना नहीं और उसने क्या किया, पिछले दोनों पांवों पर खड़े होकर वह उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम, यहाँ किस लिए आए हो? साहब हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम्ही लोगों की गोलियों की आवाज़ गूंज रही थी सुबह से? जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं, सरपंच माधव सिंह भी हमें जानते हैं। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो, कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी, अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ छिपा है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम तो इतने सारे तीतर मार रहे हो, उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। सीधी सी बात है साहब, खाते हैं, दूसरे शिकारी ने जवाब दिया, फिर कुछ रुक कर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से में कहा, कैसे हो तुम लोग, हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो, अब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। उन्होंने क्या किया कि तुम इतने सारे जो है तीतरों को मार देते हो, किसी को उनको खा लेते हो, किसी को तड़पता हुआ छोड़ जाते हो, है ना। फिर वो क्या कहते हैं कि जब फसल कटती है, यानी कि जब भी फसल कटती है तो हमें ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज़्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वीतर नहीं है। अब जाते हो क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? बिशन चिमनी के पीछे से सब देख और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से शेड पर रोता हुआ नीचे कूदा, उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। बिशन की आवाज़ सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर आ पहुँचे और बोले, अच्छा तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था, क्या करता बाबू जी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं ना लाता तो यह मर जाता। अब तो इसका क्या करेगा, इसे पालूंगी बाबूजी, बिशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए, उन्होंने घायल तीतर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद वह ना उड़ सके, जाओ दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। बिशन जी जो कर्नल साहब हैं वो जो है दवाई का बक्सा मंगाते हैं। बिशन दौड़कर बक्सा ले आता है। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों को जख्म साफ कर दिए, फिर दवाई लगा दी, पंखों को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज़्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों के रस दिन में 2 या 3 बार पिलाओगे तो वह जल्दी ठीक हो जाएगा। गेंदे का पत्ता आप जानते हैं, जो आपने गेंदे का फूल तो देखा ही होगा, येलो कलर का होता है। तब तक बहू जी एक टोकरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज़ दलिया भी खिलाना चाहिए,
इस रोज इसे दलिया भी खिलाना। बिशन तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है, तब तो यह बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहा। कर्नल ने हंसते हुए कहा, यानी कि जब बहू जी ने उससे कहा कि तुम जो है इसको दलिया खिलाते रहना, वो जल्दी अच्छा हो जाएगा, तो कर्नल साहब हंसते हुए क्या कहते हैं, तब तो यह बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। कौन? तीतर। अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहू जी ने पूछा। बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज़ निकाली, क्वाक क्वाक क्वाक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े। बहू जी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहाँ से अपने घर की ओर भाग चला। तो देखिए जो हमारी ये कहानी है, इनके राइटर जो है प्रतिभा नाथ जी हैं। तो देखिए इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिली? इस कहानी से बेटा हमें शिक्षा ये मिलती है कि बेजुबान जानवरों को या किसी भी जानवर को, मैं यहाँ पे तीतर की बात पर्टिकुलर नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि बहुत सारे जो जानवर हैं जिनको बिना किसी गलती के मार दिया जाता है, ठीक है, बहुत से लोग शिकार उनका कर लेते हैं, बहुत से लोग अपने शौक के लिए शिकार करते हैं, एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, तो आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? क्योंकि भगवान ने हम सबको बनाया है और हम सबको जीने का अधिकार भी है। तो देखिए इसमें एक बच्चे ने, 10 साल के बच्चे ने कैसे जो है एक तीतर को कितनी होशियारी से उसको बचा लिया, ठीक है, उसका उसको जीवन दान भी दे दिया। इसी तरीके से मैं ऐसा कहूँगी कि जब उत्तरायण होती है तब हम भी जो है चाइना की डोर इस्तेमाल करते हैं ना, और बहुत सारे जो तीतर होते हैं, चिड़िया होती हैं, कबूतर होते हैं, और वो बेचारों का गला कट जाता है, कितने घायल हो जाते हैं, और हम क्या कर रहे होते हैं उस समय? इन्जॉयमेंट कर रहे होते हैं। तो क्या ऐसा इन्जॉयमेंट सही है जो किसी की जान ले ले? देखिए चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, और चाहे वो इंसान हो, तकलीफ़ सबको एक जैसी ही होती है। ऐसा नहीं कि हम जब मरते हैं हमारा गला कट जाए तो हमें ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जानवरों को भी उतनी ही तकलीफ़ होती है जिन्हें कि हमें होती है। तो प्लीज़ आप लोग भी किसी बेजुबान जानवर को मारने की कोशिश मत कीजिए, किसी को भी जो है। बहुत से मैंने लोगों को देखा है कि जो रस्ते में डॉगी वगैरह बैठे होते हैं उनको पत्थर से मारने लगते हैं, तो ऐसा मत करो, ठीक है। देखो किसी को भी बेवजह परेशान करने से, चाहे वो एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, व्हाटएवर, ठीक है, तो हमें इन्हें फालतू में परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम इनको जब तकलीफ़ देते हैं तो भगवान को भी बुरा लगता है, क्योंकि हम अपनी तकलीफ़ को तो अपने ज़ुबान से कह सकते हैं ना कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, बट ये बोल नहीं पाते। और ये हम लोग से ज़्यादा देखा जाए तो मतलब असहनीय है कि ये अपनी तकलीफ़ को बता नहीं सकते कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, वो कोई भी तकलीफ़ नहीं बता पाते हैं, और हम तो अपनी तकलीफ़ बता के उसका इलाज भी कर सकते हैं, है ना? तो प्लीज़ आप भी किसी जानवर को जो है तकलीफ़ ना हो ऐसा करिएगा, और जैसे बिशन ने किसी पक्षी की जान बचाई है, तो अगर हो सके आपको कभी मौका मिले किसी को बचाने का तो ज़रूर बचाइएगा। ओके ओके, स्टे होम, स्टे सेफ विद द हेल्प ऑफ दिस लाइट, आई वुड लाइक टू बैकअप।